इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कैसे सर्च करें, जिससे कि डायरेक्ट कंपनी से आपको 100% कॉल आए। अभी तक आपने क्या किया, naukri.com, गूगल साइन, ऐसे बहुत सारे जगह पे जॉब पोर्टल साइट्स पे जाके सर्च किए हैं, लेकिन आपको क्या होता है 200-300 अप्लाई करते थे मंथ का, लेकिन उसमें से 200-300 में से आपको 2-3 कॉल्स भी बहुत मुश्किल से आते हैं, नहीं तो नहीं भी आते हैं। लेकिन आज जो मैं मेथड्स का बात करूंगा, उसमें आपको 90% जॉब कॉल्स आएंगे, इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर ये सेफ्टी मैनेजमेंट से बनाया हुआ ये मेथड्स है, हमारा खुद का ये मेथड्स है, जो मेथड्स आपको जॉब सर्च करने में बहुत ही हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है सिलेक्ट योर जॉब फील्ड अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अपना एजुकेशन क्या है, कौन सा डिप्लोमा किए, एक्सपीरियंस कितना है, कौन सा कंपनी के लिए एलिजिबल है, वो हिसाब से ही आप कर सकते हैं जॉब सर्च करें। अगर आपने कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस लेके, आप फायर एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस लेके, आप किसी दूसरे ऑयल एंड गैस कंपनी में जाते हैं, तो आपको करियर को थोड़ा मिसमैच होता है, सुटेबल नहीं होता है। आपका जो करियर के स्टार्टिंग करियर का क्या है, इसमें एक्सपीरियंस क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप जॉब सर्च करें, जब आपको जॉब का कॉल्स आने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सेकेंड पॉइंट पे हम करेंगे सेलेक्ट जॉब लोकेशन विच योर प्रेफर विच योर इंटरेस्टेड, आपका कौन सा जॉब लोकेशन आपको इंटरेस्ट है जाने का, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसा एक सेलेक्ट कर लें कौन सा स्टेट में आपको जाने का है। यहाँ पे एग्जांपल में एक ही हम बात करेंगे, अगर आपने बीएससी किया है फायर एंड सेफ्टी में, के डिप्लोमा किया है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक कितनों का भी, और आपका बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड बीएससी है, केमिकल केमिस्ट्री है, तो आप सिंपल केमिकल फील्ड में जाइए। आपको गूगल में जाके सबसे पहले एनालिसिस करना है केमिकल कंपनी कितने रहते हैं, टॉप केमिकल कंपनी किधर रहते हैं, गुजरात में है केमिकल्स का, हैदराबाद में केमिकल्स का हब बोलते हैं, हैदराबाद में आपको केमिकल्स की बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, 3000 एंड अबव केमिकल कंपनी है हैदराबाद में। इस कंडीशन में आप हैदराबाद को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, आप गूगल पे जाइए, टॉप 20 केमिकल्स कंपनी को सर्च कीजिए, वहाँ से आप 20 कंपनी को साइट मिल जाएगा। एक एक कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टेक्ट अस के कॉलम रहता है, नहीं तो अबाउट अस के बारे में अबाउट अस का कॉलम रहता है, उसमें जाइए, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस निकालिए, उसमें आपको मिलेगा कंपनी का ईमेल आईडी। कंपनी के ईमेल आईडी में आपको नोट कर लेना, आपको ऐसे आपको 100 ईमेल आईडी नोट करें 100 कंपनियों का। नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या रहेगा, ये 100 से आपको ईमेल आईडी नोट कर लिए है, अब वो एक एक ईमेल आईडी पे अपना अच्छा सा रिज्यूम प्रिपेयर करने के बाद से एक एक ईमेल आईडी पे आप सेंड करें, वो आपका मेल डायरेक्ट कंपनी के जाएगा, हेड ऑफिस में जाएगा, नहीं तो क्लाइंट्स में जाएगा जिसका आप मेल भेज रहे हैं। फिर वो कंपनी का एचआर वाला डायरेक्ट आपका रिज्यूम देखेगा, रिज्यूम देखने के बाद से अगर उसको सुटेबल लगा तो आपको डायरेक्ट फ़ोन करेगा। अगर आप सपोज करें कि naukri.com पे, साइन पे, मॉस्टर पे, ऐसे इंडेड पे, किसी भी जॉब पोर्टल साइट पे आप सर्च कर रहे हैं जॉब को, तो जॉब सर्च करने का एक ही तरीका रहता है, आप इधर भी सर्च करें जॉब पोर्टल साइट पे, तो एक वैकेंसी निकल गया, एक वैकेंसी के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड से, इंडिया लेवल का है तो इंडिया पूरा, वो इंडिया से एक पोस्ट के लिए है तो उसमें से हजारों अप्लाई होते हैं, सिंपल ये टाइप कर दे तो इतना से हर एक आदमी ऐसा आजकल यूज़ कर रहा है, तो एम्प्लॉय के पास अगर एक पोस्ट है तो उसको 10,000-20,000 रिज्यूम में जाएंगे, इतना
उसके पास टाइम नहीं रहता है देखने का कि 20,000 को देख लेना, एनालिसिस करना, उसके बाद से फिर कॉल्स करना, तो बहुत सारा ऐसा निगलिजेंस हो जाते हैं। एचआर वाले क्या देखते हैं, ये पूरा हटा देते हैं साइड में। अगर डायरेक्ट उसके एचआर के ईमेल आईडी पे नहीं तो कंपनी की ईमेल आईडी पे जो रिज्यूमे आती हैं उसको, एक 20 रिज्यूम 50 रिज्यूम आया उसको एनालिसिस करके जब वो कैंडिडेट को हायर करते हैं, ये प्रोसेस रहता है। अब हम बात करेंगे आपका कौन सा कैरियर लेवल क्या है। यहाँ पे 3-4 लेवल की हम बात करेंगे। अगर आपने 10+2 किया है, 10+2 करने के बाद से अगर फाइनेंस सेफ्टी में गए हैं तो आपको कोई सा भी जॉब स्टार्टिंग में आपको कर लेना है, इसलिए एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है जब भी किसी कंपनी आपको हायर करेगी, तो ये बेसिक लेवल हो गया। मैक्सिमम कंपनियां 10+2 का मतलब कुछ नहीं समझती हैं, ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देती हैं। उसे थोड़ा ऊपर लेवल आता है, बीए बीकॉम प्लस फायर एंड सेफ्टी। इसमें चांसेस क्या रहता है जॉब चांसेस का, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा सकते हैं, प्लांट साइट पे जा सकते हैं, इस तरह से आप कुछ जनरल एक्टिविटीज़ का जो भी सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है बीएससी, रहता है बीएससी प्लस फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, ऐसा कोर्सेज रहता है, डिप्लोमा किए हैं तो आपको केमिकल्स कंपनी में नहीं तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में ऑफर आता है। ये सब होने के बाद से नेक्स्ट आपको प्रोसेस क्या रहता है, थॉट जो बहुत ही डिमांड रहता है उसका, अगर आपके पास कुछ टेक्निकल एजुकेशन है प्लस आपका ग्रेजुएशन है प्लस आपका फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी में कुछ सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, ये 3 चीज़ें होने के बाद से आपका रिज्यूमे एकदम स्ट्रांग हो जाता है। कंपनी आपको देखती है, अगर सपोज करें कि अगर सिविल लाइन में आपको जाना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना है, अगर आपने सिविल से डिप्लोमा किया, फर्स्ट ग्रेजुएशन किया है और फायर एंड सेफ्टी किया, आपके पास 3 डिग्रियाँ हो जाती हैं, तो आपको सिविल का डिप्लोमा किया तो सिविल के बारे में आपको मालूम रहता है क्या हजार्ड्स है, उसका कैसे काम होता है, तो आइडेंटिफाई हजार्ड आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए कंपनी ऐसे टेक्निकल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएशन प्लस सेफ्टी फील्ड का सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा ऐसे कैंडिडेट को ज़्यादा प्रिफरेंस करती है।